नमस्कार दोस्तों, कई बिजनेस जो हैं वो शुरू होते हैं और ठप हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको अपनी बिजनेस में किसी में कोई परेशान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आपको मैं छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ, इन्हें नोटिस करें और जहाँ जो कमी आ रही है उसे दूर कर अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को नई ऊँचाइयाँ दीजिए। क्या कारण है कि कई व्यवसाय सफल नहीं हो पाते? इसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो यही आता है, अगर किसी का अपने व्यवसाय से में इंटरेस्ट ही नहीं है या वो अपने काम में पूरी लगन से ध्यान ही नहीं दे पा रहा, तो सबसे पहला और मेन कारण जो है वो यही है। दूसरा कारण ये है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, ये काम भी व्यवसाय को असफल बना सकता है। तीसरी चीज़ जो आती है, आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो मार्केट में समय से पहले उतार दिया कि मार्केट को अभी उसकी ज़रूरत नहीं है और माल लेकर आप आ गए हैं, तो वो भी जो है सक्सेसफुल नहीं, व्यवसाय में परेशानी का कारण होता है। चौथी चीज़ जो आती है, एक तो ये आप ऐसा माल बना रहे हैं जिसमें कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है और आपके माल जो है, आपका जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है, या वो बहुत महंगा रख दिया है, या क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चौथी चीज़ आती है, पांचवी चीज़ जो आती है वो ये कि कभी कभी पैसों की ज़बरदस्त कमी, बिजनेस शुरू कर दिया, पैसा ना होने की वजह से बात वहीं अटक कर रह गई, या बहुत कर्ज उठा लिया है और कर्ज़ जो है वो दे ना पाने की वजह से भी बिज़नेस जो है वो फ्लॉप होते हुए देखे गए हैं। छठी चीज़ आती है जो मेन है वो ये कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और फिर भी आप काम करने लग गए हैं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हर पल आपको कुछ ना कुछ सीखने को, आप समझ में नहीं आएगा कि आप सीखें या काम करें, सीखते सीखते काम भी ठीक है लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। सातवीं चीज़ जो आती है कि आपने प्रोडक्ट कुछ और बनाया है, मार्केट कोई और है, बस ये चीज़ भी बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। एक और नौवीं चीज़ आती है, कोई इंसान अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से इतना परेशान है कि वो अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तो ये बात भी बिजनेस को असफल बना देती है। धन्यवाद।